हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम वंस अगेन टू द टैक्स एक्सप्रेस। जी हाँ, जीएसटी में एक बड़ी खबर। फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड 19-20 के ऑर्डर्स विदाउट ज्यूरिडिक्शन डिक्लेयर्ड बाय द ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्या जजमेंट दिया है ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मेरे साथ इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ऑनरेबल गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बरकाटा की प्रिंट एंड मीडिया सर्विसेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 23-9-2024 को एक लैंडमार्क वर्डिक्ट डिलीवर किया है। इस केस में ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने नोटिफिकेशन नंबर 56/2023 CT की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। इस नोटिफिकेशन के जरिए गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड 19-20 के लिए सेक्शन 73 में पास किए जाने वाले ऑर्डर्स की टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया था और इस नोटिफिकेशन को सेक्शन 168A के अंतर्गत इश्यू किया गया था। पिटिशनर ने आर्ग्यू किया था कि ये नोटिफिकेशन अल्ट्रा वायरस सेक्शन 168A है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन को इश्यू करने से पहले जीएसटी काउंसिल की कोई रिकमेंडेशन नहीं थी और ना ही सेक्शन 168A में प्रोवाइडेड फोर्स मजोर क्लॉज उस समय अस्तित्व में था। यानी इस नोटिफिकेशन को कोर्ट के सामने दो मेजर इश्यूज पर चैलेंज किया गया। एक तो ये नोटिफिकेशन जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस के बिना इश्यू किया गया है और दूसरा इस नोटिफिकेशन को इश्यू करने के लिए कोई फोर्स मजोर क्लॉज एप्लीकेबल नहीं था। फोर्स मजोर का मतलब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी या बियॉन्ड कंट्रोल सर्कमस्टांसेस से है, जैसे नेचुरल क्लाइमिटी, पेंडेमिक या वॉरलाइक सिचुएशन, जिससे जीएसटी ऑफिसर्स द्वारा ऑर्डर इशू करने की डेडलाइन फॉलो करना पॉसिबल नहीं हो। कोर्ट ने इस केस में अपने 73 पेज के डिटेल्ड ऑर्डर में हेल्ड किया कि सेक्शन 168A एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के पावर्स केवल उस पर्टिकुलर प्रोविजंस में दी गई कंडीशंस को फॉलो करके ही एक्सरसाइज की जा सकती है। सेक्शन 168A में गवर्नमेंट को सर्टेन सर्कमस्टांसेस में टाइम लिमिट एक्सटेंड करने की पावर दी गई है, लेकिन ये पावर सिर्फ जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस एंड फोर्स मजोर होने पर ही एक्सरसाइज की जा सकती है। इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि नोटिफिकेशन नंबर 56/2023 इशू करने से पहले जीएसटी काउंसिल का कोई रिकमेंडेशन नहीं था, यानी ये नोटिफिकेशन बिना जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन के इशू किया गया था। कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोहित मिनरल्स केस को भी रेफर किया। मोहित मिनरल्स वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस को नॉट बाइंडिंग एंड रिकमेंडेटरी इन नेचर करार दिया था। रेस्पोंडेंट डिपार्टमेंट के काउंसिल ने कोर्ट के सामने यही आर्ग्यू किया कि जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं है और इसलिए ये नोटिफिकेशन बिना जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन इशू किए जा सकते हैं। कोर्ट ने मोहित मिनरल्स केस को रेफर करते हुए नो रिकमेंडेशंस मेड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ रिकमेंडेशंस के बीच अंतर को स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा कि इफेक्टिवनेस ऑफ जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस वर ओनली एस्टैब्लिश्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन मोहित मिनरल्स बाय सेइंग दैट दीस रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग। लेकिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस के बाइंडिंग ना होने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट बिना इन रिकमेंडेशंस के सेक्शन 168A में अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है, क्योंकि सेक्शन 168A में जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस को एक मैंडेटरी कंडीशंस के रूप में बताया गया है। कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया कि चूंकि नोटिफिकेशन नंबर 56/2023 को इशू करने से पहले सेक्शन 168A की रिक्वायरमेंट के अनुसार जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस की बैकिंग नहीं थी, ये स्पष्ट है कि ये नोटिफिकेशन एक कलरेबल लेजिस्लेशन है और इस नोटिफिकेशन को सिर्फ डेडलाइन एक्सटेंड करने के लिए ही इशू किया गया था। कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड 19-20 के टाइम लिमिट एक्सटेंड करने के लिए कोई फोर्स मजोर क्लॉज एप्लीकेबल नहीं था और ना ही इस बारे में जीएसटी काउंसिल का कोई रिकमेंडेशन रिकॉर्ड पर था। तो इस केस में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट सेट करते हुए नोटिफिकेशन नंबर 56/2023 को अल्ट्रा वायरस जीएसटी एक्ट डिक्लेयर किया और साथ ही फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड 19-20 के लिए एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में इशू किए गए ऑर्डर्स को भी विदाउट ज्यूरिडिक्शन एंड लायबल टू बी इंटरफेयर विथ करार दिया। तो इस तरह इस केस में हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस को सेक्शन 168A के तहत एक साइन क्वा नॉन यानी प्रिलिमिनरी एसेंशियल कंडीशन करार दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये फैसला एक फार रिचिंग इम्पैक्ट डालेगा और अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद गवर्नमेंट का अगला कदम क्या होगा। लेकिन एक बात तो यहाँ साफ हो गई कि सेक्शन 168A की पावर्स एक्सरसाइज करने से पहले दोनों एसेंशियल कंडीशंस का एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है और इस पावर को मेयरली टाइम लिमिट एक्सटेंड करने के लिए रूटीनली इन्वोक नहीं किया जा सकेगा। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट इस केस में नोटिफिकेशन नंबर 56/2023 की वैलिडिटी को डिफेंड करने में नाकाम रही है और कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को एक कलरेबल लेजिस्लेशन डिक्लेयर किया है। तो ये थी जीएसटी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट। टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स, क्वेरी रेजोल्यूशंस एंड केस लॉ एनालिसिस के लिए देखते रहिए आपका अपना द टैक्स एक्सप्रेस एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।